वेरी गुड मॉर्निंग। है बाजरे का आटा। तो एक रोटी मैंने ट्राई की इस तरह से, ये क्या हो रहा है, इतनी फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है, फिर भी ऐसे करके। और एक रोटी मैंने ट्राई की हाथ से बनी हुई रोटी, ये है फॉइल पे जो मैंने बनाई वो ये रोटी है। और मैंने आज बनाया है कड़ी और तुरई की सब्जी। उठ के ही मैंने कड़ी बना के रख दी आलू वाली। मैंने थोड़ा सा गूंदा चार रोटी का, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था कि पता नहीं बन पाएगी मेरे से या नहीं। आपको पता है कल बनाई थी तो उसको भी मैंने गर्म कर दिया। और मैंने तुरई की सब्जी बना के रख दी। सब्जी मुझे सिर्फ मेरे हाथ की ही अच्छी लगती है। मैं कहीं भी जाऊँ, रेस्टोरेंट में कहीं भी कुछ भी करूँ, मुझे मेरे हाथ की सब्जी बहुत अच्छी है। ये चीज़ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं भी सब्जी अच्छी नहीं लगती, कोई भी बनी हो, अपने हाथ का सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एनीवेज अभी मैं फिर से तीसरी रोटी ट्राई करती हूँ। मुझे आटा फिर से वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा और गूंदना पड़ेगा। थोड़ी देर में आने वाले हैं तो फिर यार मुझे ऐसा लगता है ना, एक तो इंडक्शन में थोड़ा सा वो लगता है रोटी बनाने के लिए। जब मैं घर से वापस आऊँगी तो मैं गैस का पक्का अरेंजमेंट करूँगी, और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना, मतलब इस पे ही कि जस्ट खाना बनाए इंडक्शन पे ही, है ना। वैसे तेज है चाय, बहुत जल्दी बन जाएगी, बट रोटी बनाने के लिए बहुत स्लो है। सभी ये देखो हाथ से इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे आटा ना ये बहुत अच्छे से जुड़ रहा है। इवन मक्की की रोटी के जब आटा होता है ना, वो कभी कभी जुड़ता नहीं है ना, उसमें ये होता है कि जो अच्छा पिसा हुआ आटा चक्की पे, इसमें मिलावट ना हो, वो जुड़ जाएगा, अदरवाइज नहीं जुड़ता। बट ये बहुत अच्छे से जुड़ रहा है। अब मैं आपको टेक्निक बताती हूँ हाथ से बनाने की। नहीं आता तब तो फॉइल से बना ही सकते हैं, बट हाथ से बनाना तो फिर अलग ही कला है ना एक। और ये मुझे तब आता है क्योंकि हमारे उधर हाथ से ही रोटी बनाते हैं मक्की की। अगर मुझे मक्की की रोटी नहीं आती तो मैं बना नहीं पाती। ये देखो जितना मर्जी बड़ा आप इसको कर लो, और मुझे पता चल जाता है जब ये टूटने वाला होगा तो मैं इसको तवे पर तुरंत डाल दूँगी। और बाजरे की रोटी मैंने अभी स्टार्ट की है, कि बाजरा गर्म होता है सो कहते हैं इसको, या फिर किसी ठंडी चीज़ के साथ ऐड करके खाओ। और सर्दियों में अच्छा होता है, बट गर्मियों के लिए बाजरा गर्म होता है। पूरी गर्मियाँ बरसात मैंने ज्वार की रोटी खाई है। इसको हम डाल देंगे ऐसे आराम से, फिर तवे पे रख के भी ना ऐसे कर सकते हैं हल्का हल्का। देखो कितनी सुंदर रोटी बनी है। और जब मैं कल व्लॉग बनाया था ना, एक सब्सक्राइबर बोल रहे प्रियंका इसको ना कढ़ी के साथ खाना, तो मैंने कढ़ी स्पेशली बनाई। कढ़ी एकदम गर्मा गर्म बनी है। इसमें मैंने मेथी डाली है, कसूरी मेथी, धनिया डाला है खूब अच्छे से। और ये दही की कढ़ी है, लस्सी की। लस्सी हमें मिली नहीं है यहाँ पर, प्लेन लस्सी नहीं मिल रही है, वो नमक वाली और चीनी वाली मिल जाती है। और यार ऊपर गिर गया पानी इंडक्शन के। ये देखो तुरंत आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। मैं इंडक्शन का पानी साफ़ कर दूँ। इंडक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पानी वानी ना गिरे और गीला ना हो बर्तन, नीचे से क्लीन एकदम ड्राई हो, तभी आप उसको लगाओ तो सही रहता है। वाह रोटी हमारी फूल गई है। एक्चुअली मेरे हाथ को आटा लगा हुआ है, क्योंकि मैं दूसरे हाथ से आटा गूंद रही हूँ। कितना सुंदर रोटी बनी है। इसको ना ऐसे मक्की, सेम मक्की के आटे की तरह है ये। कुछ मुश्किल नहीं है इसको बनाना, लेकिन इसको अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अभी मेरा ना एक दिन मन था मैं कुट्टू के आटे की रोटी भी ट्राई करूँ। ये दो रोटी रह गई बनने के लिए, हाउस हेल्पी भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, मैं खाऊंगी शाम को। एज ऑल ऑफ यू नो कि मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ। थोड़ा सा मैंने धनिया और काटा है ताकि मैं फ्रेश ऊपर धनिया डालूं। और आज ना मैंने दूसरी वाली प्लेटें भी निकाल ली, जो एक बड़ी वाली और एक जो तीन खानों वाली होती है ना, उसमें आसान रहता है। और ये सेम तरह की कटोरियों में खाना भी अच्छा लगता है, बिकॉज रोज़ मैं इनको दूसरे वाले बर्तन में ही देती हूँ। मैं आज सोचा कि चलो ये स्टील वाले में इनको सर्व करती हूँ। ये आए नहीं है, इन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया है। मुझे तो बोला था इन्होंने कि मैं आ रहा हूँ। हमेशा पति लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे बोलते हैं ना आते नहीं हैं।
अगर 5 मिनट बोलेंगे तो समझ लो 15 मिनट, बट कभी कभी कुदरती आ जाते हैं जिस दिन हम लोगों ने तैयारी भी करके नहीं रखी होती है। सो इनका लंच भी मैं इनके साथ अभी पैक कर दूंगी और ब्रेकफास्ट भी इनको मैं दे दूंगी। कभी कभी 2 टाइम खाते हैं, कभी कभी 3 टाइम खा लेते हैं, बट मोस्टली 2 टाइम ही खाते हैं ऐसे कभी कभी। अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो 10:30 बजे आते हैं तब एक ही बार खाते हैं, बट जब सुबह 8 बजे आ जाते हैं तब जल्दी तब 2 बार हो जाते हैं ऐसे। एक रोटी थोड़ी कड़ी पैक कर दूंगी तो सही रहता है। धनिया मैंने और काट के 2 पानी में ऐसे धो के रखा हुआ है। अब ना जब से मैंने नए बर्तन लिए ना, बहुत सारा काम आसान हो गया यार। आपके साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने बर्तन लिया है तो उसको अपनाने में 1-2 दिन लगते हैं ऐसे कि हाय ये मेरा ही बर्तन है ऐसे, उसको मतलब टाइम लगता है उसको समझने में ना, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत हैवी तले वाला है, सो अगर कोई लेना चाहे तो डेफिनेटली लेना चाहिए, इसमें बहुत काम ना आसान हो जाता है। सबसे अच्छी बात इसमें आप कुछ पका रहे हो ना तो आपको लाइक वो जलता नहीं है, साथ में चिपकता नहीं, तो साथ में चिपक जाता है और फिर वो पैन भी ख़राब हो जाता है। ये वाला प्लेट मैंने निकाल के रखा क्योंकि इसमें ना कभी कभी मेरा मन होता है, कभी कभी चीज़ें खा के रहती थी, मैं कुछ टाइम के बाद निकाल लेती हूँ। ऐसा करने से ना लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ नयापन है, लाइफ मतलब सेम वही रूटीन नहीं होता। ये तो हर जगह लिखा होता है कि आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने रूम में, किचन में थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो ना तो लाइफ अच्छी होती है। जैसे एक ही टी शर्ट पहन के रखेंगे तो बोरिंग लगेगा ना, तो अगर चेंज करके पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। एक प्लेट मैंने ये वाली निकाल ली और एक मैंने बड़ी वाली प्लेट निकाल ली, और दूसरी जो कांच वाली है उनको मैं उठा के रख दूंगी प्लेट में। ये बहुत अच्छी प्लेट है, मुझे मेरा फेवरेट डिज़ाइन है ये वाले जो इसमें बना रहे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ की कटोरियाँ भी है बट कटोरियाँ आज मैंने नहीं निकाली है। इसमें मैं डालूंगी तुरई, मटर और कढ़ी, क्योंकि इसी प्लेट में रखे हुए ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बाजरे की रोटी गर्मा गर्म, ये भी विदाउट ऑयल है, ये भी विदाउट ऑयल है। कढ़ी में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं। डालेंगे हम लोग कढ़ी, देख के लग रहा है कि बहुत टेस्टी बनी है। फोन आया है कि अभी ये नहीं आएंगे, तो मैं इनको बोल रही हूँ आप खाओ, ये लो गर्मा गर्म रोटी खाओ आप, उसके बाद इनको देंगे, ये लो बटर आप खाओ रोटी। ये क्यों, इसमें भैया के लिए, भैया का फोन आया कि वो 20-25 मिनट बाद आएंगे, तो आप खा लो तब तक, फिर इसको धो दो, फिर मैं उनको डाल दूंगी। आप बटर ले लोगे ना, जितना लेना और ले लो, जो लेना है। और है थोड़ा सा बेटर, और रोटी ले लेना, ठीक है? मैं सारी रोटी बनेगी, बनेगी मेरे लिए चाय, मैं पीऊंगी हाउस। आप पियोगे? नहीं, सुबह उठ के हम लोगों ने चाय, मेरी चाय ऐसी रहेगी, फिर ही चलेगी और बस वापस आ रहे हैं। इन्होंने बोला कि आज खाना जल्दी बना ला, मैंने जल्दी सब बना लिया, लेकिन स्टिल देखो ये आए नहीं, तो मैं इनको वॉश करूँ। इतना है टेस्टी, इतना टेस्टी है ज्वार का बाजरा का रोटी कि अब एकदम क्या बताएं, और खाए कि रेत कितना खाए। बनाएंगे चाय, चाय तो वैसे मैंने कब की रखी हुई है, पानी थोड़ा खौल रहा है, अच्छे से खौल जाए फिर मैं इसमें चीनी पत्ती डालूंगी। और ये चाय पीने के लिए पहले मना कर रहे थे, फिर मैंने इनको बोला पी लेना, तो करे हाँ ठीक है पी लेंगे, वैसे भी सर्दी है, ठंडा बहुत, इनको बहुत ठंडा लगता है। सुबह सुबह आती हूँ ना मैं ऑटो में, ऐसे दिल करता है शॉल ले लूँ, नहीं भी मेरे पास यार एक भी शॉल नहीं मेरी पता नहीं कहाँ है। अभी ना ये चीनी का जो कलर है ना, ये थोड़ा वाइट वाइट है, जो पहले चीनी थी ना कल देखी होगी आपने मेरे ब्लॉग में, वो दूसरी चीनी थी, ये वाला कलर था ये वाला ना, तो यार चीनी होती नहीं है, 2 चम्मच डालती हूँ फिर भी नहीं होता। फिर पता मैं क्या करती हूँ, कभी कभी तो मैं इसी में पानी में डाल लेती हूँ, कभी कभी मैं अपने जो मेरा ग्लास होता है ना, ऐसे वाला ग्लास है, तो मैं इसमें डाल लेती हूँ, ऐसे फिक्की चाय बनाती हूँ, थोड़ी सी अपने को मैं इतनी डालती हूँ। ये देखो ये चीनी चलेगी मेरे लिए, और इनको इतनी सी डालती हूँ, तो ये भी हिसाब किताब वैसे सही रहता है। दूसरा ऐसे 3-4 चम्मच डालो तो चीनी टेस्ट ही नहीं आता यार, पता नहीं क्यों। चाय अच्छे से कड़ेगी, मैं आपको धनिया दिखाती हूँ कि धनिया इतने अच्छे से खिल रहा है यार, हर रोज नया नया पत्ता उसका बढ़ रहा है, इतना कितना होगा इतना, आप खुद ही देख लो यार, सुबह देखो शाम को और बढ़ रहा है, इतना इतना हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है यार।
ये नहीं है कि पैसे बच जाएंगे दुनिया से, है ना, बिकॉज ऐसा नहीं है, पर मुझे ये अच्छा लग रहा है घर पे, मतलब हमारे धनिया हो गए। मम्मी को मैंने दिखाया, मम्मी कह रहे थोड़ा सा ना इसको पानी डाल, बट माली भैया बोलते पानी नहीं डालना है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। आप लोग भी बताना मुझे थोड़ा सा पानी डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो कपड़े वपड़े सब मैंने सुबह सुबह धुल दिए थे, अभी क्या है ना सर्दियां हैं, तो अगर आप सुबह कपड़े धोके 8 बजे लगा दो वॉशिंग मशीन, या 7 बजे धुल के लगा दो, तो आपके कपड़े शाम तक एकदम सूख जाएंगे। अदरवाइज 2-2.5 बजे लगाओगे तब तो फिर नेक्स्ट डे ही सूखेंगे। सुबह सुबह की ये धूप हमारे घर की, इस बारी बालकनी में तो धूप आती ही नहीं है। का रूटीन है ये जो बनाया है सब, वो खाना है मुझे और कीवी खाना है। ये दोनों कीवी सिर्फ एक ही पका हुआ यार, ये दोनों तो नहीं पके हुए हैं, ठीक है फिर भी। और लेमन वाटर पीना है। मैं सुबह सुबह रात को ही माइंड में मेरे चलता रहता है। और ये प्लेट अब मैंने उठा के रख देनी है, बहुत हो गया इस प्लेट को, अब हम इस प्लेट को लगाएंगे। वैसे ये प्लेट ना ऐसे थी, यहाँ पे पकौड़े छकौड़े रखो, पकौड़े रखो, कुछ भी रखो, बीच में सॉस रखो एंड खाओ। लेकिन हमने इसको, हम लोग फिर कुछ ना कुछ लगा ही लेते हैं अपना दिमाग, खुरापाती दिमाग, ऐसे रख के इसमें और प्लेटें वो रख के कटोरियाँ रख के खाना देती हूँ इनको। लिया मैंने दूध, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि दूध बहुत गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा। सो चाय हमारी अच्छे से खोल गई, चाय का मुझे 5 से 7 मिनट अच्छे से खुलाना होता है, फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। चाय के कलर से और जैसे ये उबाली आती है ना, इससे पता चल जाता है कि चाय का टेस्ट कैसा होगा। ये ना मतलब जो चाय पीता है या कुछ भी आप बनाते हो, आप उसकी खुशबू से कलर से भाप लेते हो कि सब्जी किस तरह से होगी या चाय किस तरह की होगी। भैया मेरी सब्जी बड़ी टेस्टी होती है, लोग यही बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, पता नहीं तुम्हारे पति तुम्हारी हाथ की सब्जी कैसे खाते हैं, पता नहीं कैसे खाते हैं, ऐसे बोलते रहते, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। ये तुरई की सब्जी है, बिना घी के बनाई है मैंने, लेकिन अच्छी टेस्टी बनी। इवन हाउस हेल्पर भी बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। आप मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो क्या? मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो? मतलब सच्ची में टेस्टी बनी है कि मेरा दिल रख? सबसे अच्छा क्या है? कड़ी तुरई अच्छी है, फर्स्ट में, हाँ। सेकंड में तलेगी है अच्छी। आओ जल्दी से, लेट आए थोड़ा सा, तो इनकी वजह से फिर मेरा सब रूटीन ना इनके अकॉर्डिंग चलता है ना। इनके जाने के बाद मेरा अपना रूटीन होता है, तो ये सबकी लाइफ में होता है ऐसे। आपका आपके बच्चों के अकॉर्डिंग, आपके फैमिली में जो जो रहता है, आपका जो जो औरत होती है स्पेशली, उसका रूटीन उनके अकॉर्डिंग चलता होता है, जैसे कब खाना बनाना है। ये जब आते हैं तो मैं आने पे इनको खाना खिलाती हूँ अच्छे से, इनके साथ बैठती हूँ, फिर हम चाय पीते हैं। चाय मैंने जितनी मर्जी बार सुबह चाय पी लूँ, इनको खाना खिलाने के बाद चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। और ना मैंने पेपर फ्राई से 2-3 चीज़ें देख रही थी, जो मैं यहाँ पर आपको ना इसके आगे वो ऐड करूँगी। एक को ना मुझे चेयर लेनी है, वो ऐसी ऐसी उसमें ना कैसे समझाऊँ मैं आपको, जैसे कर्टन का कलर है ना ऐसा, जैसा उसके अंदर ना रस्सियाँ लगी हैं, जैसे वो मेरा जूट का वो सामने है ना वैसा, उसके में बीच में लगा, मुझे बहुत पसंद थी। मैंने उसको ऐड टू कार्ट करके बहुत टाइम से रखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, पेपर फ्राइज है ना उसका फ़ोटो क्लिक किया, गूगल में सर्च किया फ़ोटो को अपलोड करके। अमेजोन पे उसका प्राइस बहुत सस्ता है, पेपर फ्राई पे वो बहुत कॉस्टली है, तो मुझे 2 लेना है। बिकॉज यहाँ पे जो हमारा एल शेप का सोफ़ा है ना, जिनके भी पास वो सोफ़ा होगा, ये सोफ़ा अच्छा तो होता है बट सिटिंग में थोड़ा सा, जैसे हमारे घर में कोई आ जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं लंबे वाले पे, और जो ये वाला होता है इस पे तो एक ही बैठ पाता है बेचारा, है ना, ऐसे करके बैठना है तो ठीक है ना। तो थोड़ा सा सिटिंग के लिए मैं सोच रही थी कि दिवाली पे मैं वो 2 कुर्सियाँ ले लूँ, तो अगर किसी के पास वो कुर्सी है, मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, ऐसे तो मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, अगर किसी के पास वो कुर्सी है तो प्लीज़ मुझे भेजना। अमेजोन पे मुझे बहुत सस्ता मिल रहा है, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि अच्छी आएगी कि नहीं अच्छी आएगी, और पेपर फ्राई पे वो महंगी है, तो इनको मैं दिखा रही थी, इनके साथ वो डिस्कस कर रही थी। और एक मैं क्रॉकरी यूनिट देख रही थी, क्योंकि सामने जो एरिया है ना वहाँ पे हम क्रॉकरी यूनिट रख सकते हैं, और बहुत टाइम से मैंने कुछ लिया भी नहीं, और इन्होंने मुझे बोला था कि दिवाली पे कुछ लेना है तो ले लो। तो मेरा एक प्लान बन रहा था कि मैं ओवन लूँ, फिर मैंने सोचा ओवन में तो हमारा कुछ यूज़ है ही नहीं, क्या करना ओवन पे, केक वेक तो मैं बनाती नहीं हूँ और खाना एक टाइम खाती हूँ, तो ओवन का उतना यूज़ मुझे लग नहीं रहा जितना मुझे कुर्सी लेने का कर रहा। वो मैंने कब से सोच के रखा था, मैं अभी आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा कलर बताती हूँ और मैं क्या कहना चाहती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये वाली जो कुर्सी है ना, ये जो इस पे वो
बना हुआ है ना नेट का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस तरह का बहुत कुछ लेना चाहती थी जब हम पटना में आए थे तब से, तो तब मुझे कहीं ऑनलाइन मिली नहीं। अब जैसे मैंने पेपर फ्राई देखा कुछ टाइम, एक दो महीना पहले, तब मुझे मिल गई, तब ये बहुत कॉस्टली है। का चेयर का कलर है इस तरह का और कुछ कुछ ऐसा है, और अभी तक मैंने इसमें कुछ भी स्टोर करके नहीं रखा है। सफाई इस अंदर होगी, ये यहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारा बैठने का अरेंजमेंट है तो हम वो दो कुर्सियाँ ऐसे रख सकते हैं, या फिर उस इस टेबल को पूरा ऐसे जैसे पहले लगा था वैसे लगा सकते हैं और दो कुर्सियाँ रख सकते हैं। वो कुर्सी का जो कलर होगा वो इस तरह से है और उसके बीच में ना वो रस्सियाँ जैसे लगी हुई हैं। अगर आपके पास, किसी के भी पास है, प्लीज़ आपने कहाँ से खरीदी है और कितने की है मेरे को बताना ज़रूर, तो मैं फिर वो वहाँ से खरीद लूँगी। बिकॉज किसी ने खरीदी होने से मैंने कुछ लिया है ये चीज़, है ना। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ अच्छा है तो बंदे को थोड़ा आइडिया मिल जाता है। ऐसे मुझे अमेजोन से लेने से थोड़ा सा डाउट लग रहा है। पेपर फ्राई पे एक नो डाउट, मुझे 1% भी डाउट नहीं है, बट वो बहुत कॉस्टली है। तो ये मेरे कहने का मतलब है। हमारा पंखा कितना गंदा हो गया, आज मैं सबसे पहले पंखा ही क्लीन करती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। झाड़ू पोछा डस्टिंग सब उन्होंने कर दी। जब मैं खाना बना रही थी तो वो आ जाते हैं, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ आप सफाई कर लो। कई बार जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं कर लेती हूँ उनके साथ, है ना। आज उन्होंने सब कर दिया, बस मुझे डस्टिंग करनी है। कई बार मैं इनको बोल देती हूँ आप डस्टिंग कर दो तो कर भी देते हैं। तो इधर बालकनी साफ करके वो साथ के साथ पानी भी दे देते हैं। तो यही बस तालमेल हम दोनों का सेट हुआ है। और जो कुर्सी है ना वो ऐसे जैसे कलर किया, तो मुझे वो बहुत दिल कर रहा है लेने को। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे, मैं आपसे मिलती हूँ नए व्लॉग में। बाय बाय। इस 23 अक्टूबर को मैं 32 साल की कंप्लीट हो जाऊँगी और 33 रनिंग होगा मेरा। 32 साल में क्या चीज़ें मैंने सीखी हैं। एक चीज़ जो मेरे में, जो मुझे सब बोलते थे स्कूलिंग के टाइम पे कि ये बहुत ज़िद्दी है। ज़िद्दी मुझे इसलिए बोलते थे कि मैं किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलती थी, ना घर वालों के, ना मैं उनको बोलती थी मेरे अकॉर्डिंग चलो। मुझे जैसे सपोज़ आज कुछ खाना है तो उनको नहीं खाना तो मैं वो खाती थी। अगर मुझे कुछ करना है, मुझे अगर अभी पढ़ना है, मेरी मम्मी बोले कि नहीं अभी कुछ काम करो, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। सो ना मैं अपने मन के अकॉर्डिंग चलती थी बचपन से। और वो एक दो टैग लाइन आप पे लग जाती है कभी कभी, जो मम्मी ने मुझे काम दिया होता है, मुझे पता था कि मुझे ये काम दिया है, अगर झाड़ू पोछा लगाना है, बर्तन साफ करने हैं, फिर पढ़ना है, फिर ये करना है, तो हम उसी तरीके से काम करती थी। तो मैंने मेरी ज़िंदगी में कि जो मेरा मन करता है, जो मेरे अंदर से चीज़ें होती हैं, है ना, जो मैं चाहती होती हूँ वो मैं करती हूँ। और जब जो मैं नहीं चाहती होती हूँ, कभी कभी कुछ होता है ना कि डिप्लोमेसी करनी है लाइफ में ऐसे ऐसे, तो वो चीज़ें मेरे से हो नहीं पाती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा खुश कर पाऊँ, है ना। यू नो डिप्लोमेसी तो हर रिलेशन में है, चाहे वो कोई भी रिलेशन ले लो, आप अपने घर से ही शुरू कर लो, है ना। वो मैं कभी कभी करती हूँ, डिप्लोमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। बट मैंने मेरी ज़िंदगी में जो चाहा ना वो चीज़ें उतनी नहीं मिली मुझे। बट जो मैंने मेरी लाइफ में ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि हाँ मैं ये करना चाहती थी ये नहीं हुआ। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था मैं चाय की दीवानी प्रियंका बनूंगी। तो मैं 32 साल की कंप्लीट होने वाली हूँ, इसलिए मैं कुछ अपनी चीज़ें होती हैं ना वो करना चाहती हूँ। मैं कभी भी बातों में नहीं फंसी। बहुत रेयर होता था कि मैं किसी की ऐसे उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो तेरे बारे में ये बोल रहा है, वो यू नो जैसे सब लोग बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं, मुझे उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता था। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, जो है सो है, ऐसा रहता था, एक के पास ये बोला दूसरे के पास वो बोला। सो मेरे को ना ऐसे अगर मैं कभी सोचूं पिछले 32 सालों में, ऐसा नहीं है लाइफ बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी। सीखा बहुत कुछ है। और जो आपका मन कहता है ना करने को, जो आपका दिल करता है कुछ करने को, वो करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में ना ज़िंदगी मौका हर किसी को देती है, बट उस मौके को तलाशना पड़ता है। सो ये चीज़ मेरा बहुत दिल था कहने को, यार सब बातों को एक साइड में रख के ना आपका जो मन है ना, चाहे वो पढ़ने का है, एग्ज़ाम क्लियर करने का है, कुछ खाने का है, कुछ भी करने का है, अपने मन के अकॉर्डिंग ज़रूर चलो। चाहे वो सुबह जल्दी उठने का है, चाहे वो लेट उठने का है, ना तो अच्छा लगता है ज़िंदगी में हम लोगों ने कुछ करा है। और ज़िद्दी में नहीं हूँ, बट मेरे ऊपर टैग लाइन लग गई कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, बिकॉज़ उनको लगता है मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलती। सबको ऐसा लगता है,
वो लोग भी किसी के अकॉर्डिंग मे बी आई डोंट नो क्या होता है बट ऐसा होता है। और वो बोलते हैं ना कि हानी को हानी मिला, ये मुझे मिले, हम दोनों मतलब ये भी ऐसे ही हैं, ये इनको जो करना है मतलब लाइफ में, जैसे वो कुछ बच्चे होते हैं ना आपकी लाइफ में, ऐसे कुछ बच्चों को आपने बोला कि नहीं आप ये करोगे एंड ये डिसाइडेड होता है, हमारा ऐसा नहीं था है ना, मुझे तो कभी पता नहीं था मैं यूट्यूबर बनूंगी, और कभी मुझे ये भी नहीं पता था कि इतने सारे लोग मुझे चाहने वाले मिलेंगे, इतना प्यार मिलेगा, जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं, जो मेरे में चीज़ें हैं, लोग उसको बहुत प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। तो ये सब मेरा एक ग्रेटिट्यूड है जो मैं व्यक्त करना चाहती हूँ, कुछ धन्यवाद आपको, मेरी सारी यूट्यूब की ऑडियंस को, और कुछ धन्यवाद मेरे साथ जो भी लोग कनेक्टेड हैं इतने सालों से, और मतलब तह दिल से बहुत सारा धन्यवाद। अभी एक और बात बताती हूँ, मेरे को जैसे कोई मेरा ब्लॉग देखता है तो वो परेशान थे एंड मेरा ब्लॉग देखा वो बहुत खुश हो गए। सर ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ऐसी थी, अभी जैसे जैसे उम्र होती है ना आपको सीखने को मिलता है। सो हर किसी की लाइफ में बहुत सारी दिक्कत होती है ना, दूर से देखने में लगता है कि हर लाइफ इज़ वेरी स्मूथ, ये वो बहुत 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 अच्छा है, बट होता क्या है कि चीज़ें करनी पड़ती हैं अच्छी, एटमोसफियर बनाना पड़ता है, कॉर्नर कोई प्यारा सा, यहाँ पे आप बैठ के चाय पियो, इसमें यहाँ पर बैठी हूँ, बाहर हवा चल रही है, प्लांट्स लगे हुए हैं, मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्रिएट करना पड़ता है ना। और जिसने नहीं करना ना उसके पास चाहे तमाम चीज़ें हैं, उसको बस कुछ भी दुख वाली चीज़ को पकड़ के, या उसने ये कह उसको पकड़ के बैठना है, उसके बारे में डिस्कशंस करनी है एंड उसके बारे में खूब सारा सोचना है, फिर दिमाग खराब करना है, फिर दिन खराब, महीने खराब, साल खराब। सो लाइफ को इंजॉय करो, खुश रहने के लिए हम लोग जिंदा है, हाथ पैर हमारे काम कर रहे हैं, हमारा ब्रेन हमारे लिए हर रोज काम कर रहा है, हमारा दिल हमारे लिए धड़क रहा है, हमारी जो दो हाथ दिए भगवान ने वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, ये होगा तब खुश होंगे, वो होगा तब खुश होंगे, अरे अभी खुश हो ना, चाय का कप बनाना है और पीना है, मेरे को इसी में खुशी मिल जाती है। सो मेरी बचपन से ऐसी चीज़ें रही हैं, उतार चढ़ाव बहुत ज़िंदगी में आए आप लोगों के सामने ही है, लेकिन उन सबको पीछे कर करके ना आगे चलती रही। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत कुछ मैंने हासिल कर लिया या मेरे पास बहुत कुछ हो गया, नहीं, एटलीस्ट आज भी मेंटली मैं अपने आप को स्ट्रांग कहती हूँ। सो ये मेरे लिए मेरी अचीवमेंट है, आई डोंट नो आपके लिए आपकी अचीवमेंट क्या होगी, मेरे लिए ये मेरी अचीवमेंट है। वेट लॉस करा, गाड़ी सीखी, चाय पीती हूँ, घर को अच्छे से डेकोरेट कर लिया एंड इनको टाइम से ऑफिस भेज दिया एंड ये वापस आते हैं, इनका कपड़ा आयरन कर दिया, ये मेरे को इंटरनली खुशी देता है, मुझे अच्छा फील करता है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।